सुप्रभात बच्चों, आपने कल वितान जो अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक है उसमें से पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग हमने शुरू किया था। उसमें आपने पीछे पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑफिस के जो मातहत हैं उसके यशोधर बाबू के या उसके सहयोगी हैं, उसके साथ कर्मचारी हैं काम करने वाले, वे सभी उससे थोड़ा सा रूखा व्यवहार, उनके रूखे व्यवहार के कारण थोड़े से कटे से रहते हैं। और एक नया लड़का जो चड्ढा आया है असिस्टेंट के पद पर, उसने थोड़ा सा मजाक जो किया और उस पर सिल्वर वेडिंग जो मनाने के लिए दबाव डाला गया, तो उन्होंने पहले तो 10 रुपये का नोट दिया और उससे आगे फिर जो 30 रुपये उन्होंने मांगे थे उससे आगे उन्होंने 10-10 के दो नोट और दिए। बेटा, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं हैं कि सभी उसको रुकने के लिए कह रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन वह उस दावत के लिए रुकते नहीं हैं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है, क्योंकि उन्होंने किशनदा के पक्के शिष्य रहे हैं, उनसे उन्होंने सीखा है कि चलते समय थोड़ा सा अपने साथियों से मजाक कर ले। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पास्तक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि वहाँ पर वे चाय और पानी पर बैठ कर के समय को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उनके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने तथा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। ठीक है, दफ्तर से लौटते समय वे मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रवचन सुनते हैं और प्रभु का ध्यान लगाते हैं। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, बुरी लगती है। वह बाप कोई बूढ़े थोड़े ही हैं, रोज़ रोज़ मंदिर जाएँ, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं। यशोधर बाबू से आलोचना कौन सुना कर देते हैं, सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है, क्योंकि किशनदा ने उन्हें सिखाया था कि सिद्धांत का धनी वही होता है जो कुछ आलोचनाओं को अनसुना कर दिया जाए। ठीक है, जब उनके बच्चे और पत्नी उन्हें रोज मंदिर जाने के लिए टोकाटाकी करते हैं, बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं बेटा, और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छुटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। लेकिन दफ्तर में जाने के बाद वे कहां कहां जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पहाड़गंज पे जाते हैं, ठीक है, प्रवचन सुनते हैं और साग सब्जी खरीदते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले वे घर नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि जो छोटी मोटा तनाव था, मतभेद थे उसके परिवार में, उस चीज़ से वह थोड़ा सा अपने आप को बाहर ही समय व्यतीत करने में लगा देते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी, उस जगह पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का तीन बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। ठीक है, किशनदा जिसके पक्के शिष्य थे, उस जगह पर उनकी निगाह जाती है जहाँ वह पहले उनका क्वार्टर होता था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। उधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया को तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों एरिया की बदलती सूरत देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट अक्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। ठीक है, कि उस जगह को जहां पर पहले किशनदा का क्वार्टर था, उस जगह को तोड़ करके वहां एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है।
यशोधर बाबू को पता नहीं ये लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना नहायत जरूरी है। ठीक है, सारी गोल मार्केट तोड़ने के बाद भी वे कुछ बचे हुए क्वार्टरों में अपने आप को रोकना चाहते हैं। उन्हें एंड्रयूज गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बेटा वे वहीं पर रह करके अपने आप को सही समझ रहे थे, वे चाहते थे कि वो इस जगह को न छोड़ें। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से ही अपने नाम अलॉट करा लिया। उनमें से ही बचे हुए क्वार्टरों में से ही वहीं पर फिर दोबारा से वे रहने लग गए थे। पत्नी के यह पूछने कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा था कि तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराया जिस तरह किशनदा यह फिकरा कहकर मुस्कुराते थे। इस प्रकार से मुस्कुराए जैसे उनके जो गुरु थे किशनदा, वे मुस्कुराया करते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था। बेटा इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वे कहाँ बिताने लगे थे, बाहर ही बिताते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं है, क्योंकि अपने उसका साधारण सा ही पुत्र था, लेकिन उसको असाधारण नौकरी क्यों लगती है, क्योंकि जिस समय वह रिटायरमेंट के करीब पहुंचा तब उसके इतने पैसे हुए थे जितने कि उसके पुत्र को अब मिलने लगे थे। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा, कुछ रुकावट जरूर मानता है वो। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। कुछ बातें उसको समझ में नहीं आ रही है अपने बेटों द्वारा, जो जैसे बड़े बेटे की नौकरी के बारे में इतने रुपए मिलना और छोटे बच्चे के लड़के के बारे में जो अलाइड सर्विस की नौकरी IAS की तैयारी कर रहे थे उसमें भी वो अब दोबारा से लग गया है। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी ने केवल तमाम प्रस्तावित वर जो उसके लिए दूल्हे ढूंढे थे उनको अस्वीकार करती चली जा रही थी। न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही थी बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही थी कि मैं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले जाऊंगी। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों से प्रायपन पैदा करे। ठीक है, एक तरफ यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश भी हैं लेकिन वो इस खुशी को अच्छा नहीं मानते। वे कहते हैं कि जो प्रायपन पैदा कर दे बेटा वो खुशहाली कुछ नहीं होती है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें, उनके जो रिश्तेदार कुछ थे वो गरीब थे और उनके बच्चे उनकी उपेक्षा करते थे, तिरस्कार करते थे, वह उन्हें जचती नहीं थी। फिर भी जेनरेशनों का मतलब है कि बेटा पीढ़ियों में जो गैप होता है, अंतराल होता है, सुना है उन्होंने, और ऐसा कहकर वे स्वयं को क्या दिलाते हैं, दिलासा देते हैं एक प्रकार से। ठीक है बेटा, आगे अगली वीडियो में चले जाएं। बेटा यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड बना डाला है। यशोधर बाबू की जो पत्नी थी बेटा वो मूल संस्कारों से, जो उसमें मुख्य संस्कार थे वो आधुनिक नहीं थी। ठीक है, फिर भी वह बच्चों की तरफदारी करने की जो उनकी मजबूरी रही है मातृत्व की,
ममता से भरी हुई, उसने उसको आधुनिक बना दिया है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके दो विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले इस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की ही चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार में ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। इस पद्यांश में ये गद्यांश जो आपने पढ़ा बेटा, इसमें ये दिखाया कि किस प्रकार से जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो अपने आप को अपने बारे में बताती है कि किस प्रकार से जो संयुक्त परिवार में वह आई और वहाँ पर एक जवान बहू के नहीं बल्कि एक बुढ़िया के रूप में उसको देखा गया। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए जाते थे, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर के, उन्मुख का मतलब है उसके सामने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका क्या कसूर, कोई कसूर नहीं। मैं भी उन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, मुझे सुहाता हो, मुझे अच्छा लगता हो। अब यह कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। अब वह ढोंग ढकोसला का मतलब है कि दिखावा आडंबर के बारे में। धर्म कर्म कुल परंपरा सब को ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहासे, लेकिन लोग करे तमाशे, यह कहकर के उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है, कि उनका ही तमाशा बनेगा, इसलिए भी उन चीज़ों को क्या कर देते हैं बेटा, अनदेखा भी कर देते हैं। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास प्राणवायु छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा था कि क्या यह बेटर नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता कि किशनदा की तरह गर्गस्थी का बवाल ही ने पाला होता और लाइफ जो जीवन है कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, अर्थात समर्पित कर दी होती किसी कार्य के लिए। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, ठीक है, जो बचपन से ही ग्रस्त थे किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने होज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाए, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत जिस पर उन्होंने उपकार किए थे, इतने सारे लोगों में से एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके दो कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे, क्योंकि वे स्वयं भी इस बारे में किशनदा की कोई सहायता नहीं कर पाए। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर पर में रहकर लेकर रहे और फिर अपने गाँव लौट गया, जहाँ साल भर बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी बेटा। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका वो, अर्थात पेंशन के ज़्यादा समय तक, पेंशन लेने के तुरंत के समय से लंबे समय तक वह अपने आप को जीवित न रख सके। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया। उसके सगे संबंधी से जब किसी उसकी मृत्यु के बारे में जानना चाहा तो ये मिला जवाब कि जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं उनको क्या हुआ है। तो इस प्रकार से जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। अब ये किशनदा ने न यशोधर बाबू ने सोचा है, यह जानते हैं यशोधर जी बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोधर जी
अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात लोगों में आपस में जो बहुत से लोग होते हैं उनमें पता नहीं कौन क्या कर रहा है उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की थी। कि किशनदा ने बताया था कि उसने भी बचपन में कितनी शरारतें की थी, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो में सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो उसने किशनदा ने नहीं कर रखा है। तो यहाँ तक बेटा आपने पढ़ा, इस आधार पे अभी तक जितना भी पढ़ा है इस में से बेटा आपको 2% नोट करने हैं, चुरक कॉपी में लिखने हैं। नंबर एक है, पहला, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? और प्रश्न नंबर दो है, सम हाउ एम प्रोपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू एक जुमले की तरह, एक वाक्य की तरह बार बार करते हैं, इस वाक्यांश का उनके व्यक्तिगत और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? ये दोनों प्रश्न बेटा आपको रफ कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।